रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की इतनी आसान और यमी सी रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। पनीर की तो हम कई सारी रेसिपी घर पे बनाकर ट्राई करते हैं बट वो वाला स्वाद आ नहीं पाता है, पर आज की मेरी इस रेसिपी से आप कढ़ाई पनीर घर पर बनाएंगे तो हमेशा यही रेसिपी फॉलो करेंगे। तो ये पनीर की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई पनीर मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया है। इसमें एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग और 2 इलायची डाल देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़कर डाला है। अब इन सूखे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक इसको धीमी आंच पर भून लीजिए। भूनने के बाद इसको इमाम दस्ते में डालकर हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर मसाला तैयार है। अब एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर के क्यूब्स लिए हैं, साथ में शिमला मिर्च और प्याज लिया है। इन सबको हम पैन में डालकर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इन्हें अच्छे से भूनने के बाद इनको अलग प्लेट पर निकाल लेंगे और सेम पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और अदरक के टुकड़े डालेंगे 1 इंच। साथ में मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को काट कर डाला है रफली, और 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के डाला है। 1/4 कप मैंने काजू लिया है। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि प्याज टमाटर जो है हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छे से भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर जार में डालें, साथ में थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। अब हमें ग्रेवी तैयार करनी है कढ़ाई पनीर की। तो सेम पैन में हम 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इस मसाला पेस्ट को हमें अच्छे से पकाना है। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनते हुए पकाएं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसको ढककर हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए और इस ग्रेवी से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अब हमने जो ये कढ़ाई पनीर मसाला बनाया था, कुछ साबुत मसालों को भूनकर पीसकर तो ये डाल दे और अच्छे से मिला लीजिए। और इसमें हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स भुने हुए डालकर मिला लेंगे। जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और लास्ट में इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच घर की मलाई डाल देंगे, थोड़ी कसूरी मेथी डाल दीजिए और 1/4 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला लीजिए। और लीजिए, हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। इसको आप रोटी, पराठे, नान, कुलचे किसी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो ये पनीर की बहुत ही सिंपल पर बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को घर पे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।